हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो हम लोग यहाँ मिल रहे हैं आज क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए, एंड क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए हम आईएससी बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो इन द सीरीज। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2020 पेपर। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये है इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन, एंड सिक्वेंस वाइज देखिए तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ये जो पेपर है उसका पैटर्न था थोड़ा डिफरेंट, वहां पर 12 नंबर के क्वेश्चन होते थे, लेकिन अगर इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर हम फॉलो करें तो इस साल भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मार्किंग जो है वो 10 नंबर की है। उसके लिए इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन जरूर से आ सकता है, एंड इश्यू ऑफ शेयर्स की वेटेज भी काफी ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर देखते हैं कि क्या लिखा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है सुदेश लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ एच। जो पहली वाली इन्फॉर्मेशन होती है कि कितने ऑथराइज कैपिटल है, वो हमें अगर बैलेंस शीट बनानी होती है तो सिर्फ बैलेंस शीट में काम आता है, बाकी उसकी जरूरत नहीं होती है। द कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। यहाँ पर 2 रुपये का प्रीमियम लिया गया है। शेयर की फेस वैल्यू पता नहीं है, जब भी इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू पता नहीं हो हमेशा अज्यूम करना है 10 रुपये का एक शेयर है। ₹3 इज बिंग टेकन ऑन एप्लीकेशन, ₹6 ऑन अलॉटमेंट, जिसके साथ प्रीमियम है, मतलब ये 4+2 है। ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है आगे। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, 6+3 = 9, 11, 12। ठीक है, 6+3 = 9, 11, 12, 13 हो रहा है। यहाँ पर ऐसा क्या है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं हिंदी में किया तो आ गया। चलिए, एप्लीकेशंस फॉर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, मतलब कि 10,000 का क्या हो गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब कंपनी के पास आपको पता है चॉइसेस होती है, या तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर वो प्रोरेटा पे अलॉटमेंट कर सकते हैं। प्रोरेटा पे अलॉटमेंट करते टाइम हमें ये देखना होता है, अगर फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन इसके साथ आ जाएगा तो बहुत ध्यान से करना है, एंड ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, इन्होंने प्रोरेटा पर अलॉटमेंट किया है और किस तरीके से अलॉटमेंट किया है। एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 वर अलॉटेड 30,000, मतलब कि इनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, मैं 3 करके देखूंगी तो मेरे पास 30,000 रुपये एक्स्ट्रा होंगे इन शेयर होल्डर्स के, जो कि नॉर्मली अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया जाते हैं। कैटेगरी बी में 20,000 शेयर एप्लीकेंट्स थे और उनको पूरे के पूरे शेयर दे दिए, तो यहां पर एक्सेस जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर एक्सेस की बात करूं तो वो है निल। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वही बात जो हमने पहले करी थी, मतलब ये जो 30,000 रुपीज यहां पर एक्स्ट्रा मिला है, दिस इज टू बी यूज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नॉबी अ शेयर होल्डर फ्रॉम कैटेगरी ए हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड मैप बनाते जाइए बच्चों। यहाँ पर उसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर 1200 थे, अभी हमें इसके अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, और ध्यान रखना पड़ेगा अलॉटमेंट के टाइम जब हम इसका कॉल्स एंड अरियर्स का अमाउंट निकालेंगे तो याद रखना होगा कि कॉल्स एंड अरियर्स पूरा अमाउंट नहीं हो जाएगा। ओके, मतलब लेट्स से कि उसके शेयर्स आते हैं, ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 1000 शेयर्स आते हैं, कि 1000 शेयर्स वर अलॉटेड टू हिम, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6 नहीं कर देंगे हम देखेंगे पहले की कितनी एक्सेस मनी थी। बस यही इसकी जान होती है, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का, यही पर क्रक्स नहीं बोलूंगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस ओनली। अच्छा, फिर एक और शेयर होल्डर था विनीत फ्रॉम कैटेगरी बी हु हैड बीन अलॉटेड 1000 शेयर पेड कॉल मनी ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, मतलब कॉल्स इन एडवांस भी यहाँ पर आ गया, कॉल्स इन अरियर्स आ गया, एंड कॉल्स इन एडवांस, दोनों ही एस्पेक्ट जो है आपसे जज कर लिए गए इस क्वेश्चन पेपर में। द कंपनी फॉरफिटेड नोबी शेयर आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड पेड द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स इन एडवांस टू विनीत एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर ऑन द डे ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें पता कैसे चलेगा, बस उसी के लिए यहां पर दिया था 2 मंथ्स आफ्टर जो है फाइनल कॉल बुलाई गई थी। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं, और अगर आप अभी करने बैठेंगे तो अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन से रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी हमसे ये देख लेते हैं। पूछा गया था पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड प्रिपेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ये जो है एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली अगर आप आईएससी के स्टूडेंट्स हैं। सीबीएसई में अकाउंट ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, जर्नल एंट्री पे ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड में भी इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक ऐसा का ऐसा ही है। हाँ,
अगर मैं बात करूँ अकाउंट बनाने की, तो ज़्यादातर ये ISC का पैटर्न है जहाँ पर आपसे अकाउंट पूछा जाता है, जैसे कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का अकाउंट, डिबेंचर्स का अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट, इस तरीके के अकाउंट एंड कॉल्स एंड एरियाज एंड कॉल्स एंड एडवांस के अकाउंट्स ज़्यादातर के ISC बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये अकाउंट वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। अब हम कहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहीं पीपल्स परफॉर्मेंस में इसकी आंसर दिए हुए हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगी, क्योंकि आंसर सामने होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम ठीक से समझ नहीं पाते कि इसका सोल्यूशन ये ऐसे कैसे आया, ये अमाउंट कैसे आया। देखिए, हमसे जनरल एंट्रीज पूछी गई थी, तो सबसे पहले जो हम जनरल एंट्री में पार्ट करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने की एप्लीकेशन आई थी, 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, और एप्लीकेशन का जो अमाउंट था वो था 3 रुपीज पर शेयर, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन आई थी। तो जब हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे तो दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी 1,80,000 रुपीज। ओके, अब इसमें से हमें ट्रांसफर करना है शेयर एप्लीकेशन में से हम शेयर अलॉटमेंट की तरफ अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए 1,80,000 में से हमने सिर्फ 1,50,000 रुपीज़ कहाँ पे ट्रांसफर किया है, शेयर कैपिटल में। क्यों? क्योंकि 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 वाला अमाउंट ही ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से। ओके, अब हम बात करते हैं ये 30,000 रुपीज़ हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं? बिकॉज दिस अमाउंट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये एक तरीके से हमें एडवांस में मिला हुआ पैसा है, तो इसे हमने शेयर अलॉटमेंट में क्या कर दिया, शेयर अलॉटमेंट में जाके क्रेडिट कर दिया। अब हम बात करें शेयर अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री। शेयर अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री होगी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपीज पर शेयर, जिसमें कि SPR ऑफ 2 रुपीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये देखिए 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 लाख रुपीज हमने यहां लिखा, फिर उसके बाद 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 यहां पर हमने लिखा 2 लाख रुपीज, एंड 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यह है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट जो कि हमने यहां पर लिखा। अब इधर ही एक शेयर होल्डर जिसका कि नाम था नॉबी, उसने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा डालना है। यहाँ देखिए 2,70,000। ये 2,70,000 कैसे आया बच्चों, ये जो 3 लाख रुपीज आपका ड्यू था उसमें से यहाँ पर 30,000 रुपीज यू हैड ऑलरेडी रिसीव्ड, इसीलिए इसे माइनस करके 2,70,000 लिखा जाएगा। देन एक कॉल्स एंड एडवांस मिल गया है। कॉल्स एंड एडवांस किसका मिल गया, एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे। ऊपर जाके मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखिए विनीत जिसके 1,000 शेयर थे जो कि कैटेगरी बी को बिलोंग करता था, ही पेड कॉल मनी ड्यू। तो कॉल मनी थी 3 रुपए की, उसने दे दिया यहीं पर जो अमाउंट ड्यू था। तो इसके लिए हमें यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 3 करके 3,000 लिखना है। अब कॉल्स एंड एरियर्स में ये 4,500 का अमाउंट कैसे आया, चलिए देखते हैं। इसका कैलकुलेशन हम यहां कर लेते हैं। इसने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए। अगर मैं इसकी कैटेगरी में जाऊं तो एप्लीकेंट थे 40,000 के और उन्हें मिले 30,000। ओके, तो अगर ये 1200 वाले की बात करें तो हम करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200। तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकल आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो 900 शेयर यहां पर अलॉटेड निकल आते हैं। ओके, 900 शेयर जो है अलॉटेड रहे होंगे इसको, जिसका नाम था नॉबी। ओके, मैं देखती हूँ यहां पर अगर नीचे वर्किंग नोट में कुछ दिया गया है तो नहीं, वर्किंग नोट इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट जरूर बना लेना चाहिए। चलिए तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि 4,500 कैसे आया। वहीं ऊपर लिख देती हूँ जहां पर मैं आपको समझा रही थी। ये देखिए, अब मैं अगर देखूं तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब कि 3600 इस नॉबी ने हमको दिए थे, वेर एज ही वॉज सपोज टू पे 2700 रुपीज ओनली। क्यों 2700? 900 शेयर्स हमने उसे अलॉट किए थे, 900 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया मैंने तो आता है 2700, मतलब इसकी एक्सेस मनी जो है वो है 900 रुपये, और इस एक्सेस मनी को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट है 900 मल्टीप्लाइड बाय 6, अगर मैं 900 मल्टीप्लाइड बाय 6 करती हूँ तो 5,400 रुपीस इज ड्यू। लेकिन मैं इसे कॉल सिनेरियस नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती कॉल सिनेरियस, क्योंकि इसमें से 900 रुपये यहाँ पर एक्सेस दिया हुआ अमाउंट हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो 5,400 माइनस 900 करेंगे तो कॉल सिनेरियस का अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आता है 4,500। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझ लें।
हम बात कर रहे हैं नोबी की. सबसे पहले हमने नोबी के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, उसके अप्लाइड शेयर्स से 1200. तो हमने एक रेशियो बनाया बिटवीन अलॉटेड एंड अप्लाइड. अप्लाइड शेयर जिन्होंने 40,000 अप्लाई किया था उन्हें 30,000 शेयर्स मिला. यूनिटरी मेथड लगा के हमने 30,000 डिवाइडेड बाई 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1200 किया तो हमारे पास आया 900 शेयर्स उसके अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स. अब मुझे ये देखना है नोबी हैड पेड हाउ मच. नोबी हैड पेड 1200 मल्टीप्लाइड बाई 3,3600 शेयर्स के लिए उसने पैसा दिया था 600, whereas उससे हमें लेना था only 900 multiplied by 3. क्यों? क्योंकि इतने ही शेयर उसको अलॉट किए गए थे 2700. मतलब नोबी के 900 शेयर्स कंपनी के पास एक्स 900 रुपीस एक्सेस में पड़े हुए हैं, जो कि जब हम देखेंगे अलॉटमेंट में वो पैसा नहीं देता है 6 रुपीस पर शेयर, तो 5400 की कॉल सिनेरियर्स जो है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा और बोलेंगे हम 4500 का कॉल सिनेरियर्स है. क्यों? क्योंकि उसके जो 900 रुपीस एक्सेस में थे उसे हम डिडक्ट करके ही कॉल सिनेरियर्स बोलेंगे. चलिए तो देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कॉल सिनेरियस का अमाउंट 4500 एंड या ये वाला जो अमाउंट है ये आया है बैलेंसिंग फिगर से. क्यों बैलेंसिंग फिगर से? क्योंकि आप देखेंगे क्रेडिट साइड में हमारे पास दो एंट्री हैं, एक तो शेयर अलॉटमेंट का रिमेनिंग फिगर, देन 3000 जो हमें कॉल्स इन एडवांस में मिला वो, एंड उसमें से हमने 4500 माइनस कर दिया जो हमें नोबी ने नहीं दिया, तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर लिखा जाता है. इसके बाद हम शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल थ्री रुपीज की, 3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय फिर से 50 ही करना है क्योंकि नोबी के शेयर अभी तक फोरफीट नहीं हुए. कंपनी ने उसे एक चांस दिया था कि कॉल के साथ दे दो, कॉल के साथ भी इसने नहीं देंगे तो फिर इसके शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, हम फोरफीट करेंगे. ये देखिए याद है 1,50,000 ये ड्यू की एंट्री है. अब हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे. रिसीविंग में ये जो कॉल सिनेरियस अकाउंट हमने यहाँ पर जाकर डेबिट किया था उसे हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये वाला पैसा जो हमें एक शेयर होल्डर था जिसका नाम शायद वैभव था उसने यहाँ पर दे दिए थे, उसे हमने पहले क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी बनाया था. अब वो लाइबिलिटी अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं और यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं. ये तो 1,50,000 ही आएगा, जितने से आपने से डेबिट किया तो उतने ही अमाउंट से आप क्रेडिट करेंगे. देन कॉल सिनेरियस कितना है, 900 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये है 2700, ये नोबी का है एंड बैंक में आएगा अगेन बैलेंसिंग फिगर. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम जा रहे हैं एंट्रीज पे विच आर रिलेटेड टू कंपनी के शेयर फोरफीचर की. हमने नोबी के शेयर फोरफीट कर लिए तो नोबी के शेयर में नोबी ने जितना पैसा दिया था उतना अमाउंट हम डालेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में. एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके शेयर थे 900 शेयर तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 10. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी हमें यहाँ डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट के साथ ही साथ था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2. देन इसके बाद हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर मतलब अमाउंट ही हैज पेड. यहाँ पर याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है. कॉल सिनेरियस में हम लोगों ने क्या किया है, हमने 4500 एंड 2700 को ऐड करके लिखा है. ओके तो ये हो गई शेयर फॉरफीचर की एंट्री. अब इसके बाद जाते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. हमें किसी कॉल्स इन एडवांस देना है, वो शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे एंड हु हैड पेड अस अलोंग विद अलॉटमेंट, उसने 2 महीने पहले हमें अमाउंट दे दिया, तो ये 60 रुपीस का जो अमाउंट आया है वो कैसे आया है, 3000 रुपीस कि उसने हमें शेयर्स दे दिए थे एट द रेट ऑफ 12% हम उसे पेमेंट कर रहे थे एंड 2 मंथ्स पहले हमने उसे पेमेंट कर दिया. तो ये देखिए उसने हमें दिया 3000 रुपीस इंटू 12% इंटू 2/12 अगर आप करेंगे तो 60 रुपीस का अमाउंट आ गया. ये सब आपको करके बताना है स्टूडेंट्स वर्किंग नोट में. फिर हम लोगों को ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है इसे क्लोज भी करना होगा. ये देखिए लास्ट में ये एंट्री आई हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी उसे क्लोज कर दिया जाता है. ओके फिर उसके बाद है हमें ये वाला जो एंट्री थी, हमने ड्यू की एंट्री पास करी थी. अब शनरी मेंबर्स या शेयर होल्डर या फिर हम यहाँ पे विनीत या वैभव जो उसका नाम था उसका नाम भी लिख सकते थे टू बैंक की पेमेंट की एंट्री. ये एंट्री है ड्यू की और इसके बाद है पेमेंट की एंट्री, इसे भी कर देना होगा. इसके बाद हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन करो. कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट जो है अभी तक खुला हुआ है. ओके सो ये देखिए सबसे पहली एंट्री बाय शेयर कैपिटल 5400 रुपीज एंड फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1800 रुपीज एंड शेयर अलॉटमेंट 45 एंड शेयर कैपिटल. कैसे आया ये देखिए हमने कॉल सिनेरियस का अकाउंट जो है क्लोज हो गया. ये जो है ये वाली अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट के टाइम में हमने एंट्री पास करी थी. आप यहाँ पर देखें तो अलॉटमेंट के टाइम पर हमने ये वाली एंट्री पास करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट. तो आपको याद रखना है कॉल सिनेरियस के सामने वाला फिगर लेंगे और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो है शेयर अलॉटमेंट 2,70,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज. अब वो आपने कैसे किया,
यहाँ देखिए आपने लिखा शेयर अलॉटमेंट ओनली, क्योंकि इसका कोई भी लेना देना नहीं था कॉल्स इन एडवांस से, तो ओनली 4500। ऐसे ही फाइनल कॉल के टाइम में 2700 थे। एक बार फिर से देख ले मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। कॉल्स इन एडवांस का कॉल्स इन अरियर से कोई मतलब नहीं, इसीलिए आप इसके क्रेडिट में जो एक ही चीज़ है शेयर अलॉटमेंट उसी अमाउंट को लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें शेयर अलॉटमेंट ही लिखना था, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखना था। अभी शेयर फाइनल कॉल लिखा 2700, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि शेयर्स आर बीइंग फॉरफिटेड। इनकेस शेयर्स फॉरफिट नहीं होते तो ये ओपन रहता, इसका बैलेंस आता। अब ये जो एंट्री हमने करी थी फॉरफीचर के टाइम में, उसमें हम यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने कर दिया और शेयर अलॉटमेंट, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये देखिए ये वाली एंट्री की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमारा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया और उसके डेबिट में दो चीजें आई है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आप इसको अमाउंट को 7200 को वाइफोकेट कैसे करेंगे ये बहुत ध्यान से देखना है। तो आप वाइफोकेशन करते टाइम ये ध्यान देंगे कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कितना था, 900 मल्टीप्लाइड बाई 2 याद रखना है आपको। ये अमाउंट वहां से एंट्री देख के आपको पता नहीं चलेगा। और ये वाला जो अमाउंट है इसे आप बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान से एंट्रीज पास करनी थी, क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूछ लिए गए थे और इनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप इसको काफी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने में सफल हो पाई हूँ। अगर यस तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और फिर एक क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम ईयर 2020 के पेपर से। एंड यस ये क्वेश्चन आपको दोबारा जाकर के जरूर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हैव अ ग्रेट डे, बाय।